जहाँ वो धार्मिक चीजें हैं वो करते हैं, लेकिन इनके साथ जिस तरीके से बस स्टैंड के अंदर जो इनका ऑफिस है इनके साथ कुछ एक पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर के थ्रू जो एक इनके साथ हरासमेंट हुई है उसके चलते ये काफी परेशान हुए हैं और काफी ये माइंड से जो है अपसेट हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने काफी संगठनों के साथ जो है बातचीत की और हमारे साथ एज ए ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जेएनके यूटी चेयरमैन सनी काजी मेरे तक इन्होंने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की और मुझे बोला कि जिस तरीके से मेरे साथ जो व्यवहार किया गया है मैं किसी न किसी दिन अगर ऐसा हरासमेंट होता रहा तो मैं सुसाइड करने पे मजबूर हो जाऊंगा। जिसके चलते हमें देखे दुख हुआ कि अगर पर्टिकुलर कोई एक ऑफिसर अगर इस तरीके से इनको हरास करता है तो समाज के अंदर ये गलत मैसेज आएगा कि समाज सेविक होते हुए अच्छा कार्य करते हुए अगर इन्होंने ऐसा काम किया तो इसको क्यों हरासमेंट किया जाए। अगर इनकी गलती कहीं पे दिखती है तो हम कहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ये अच्छे कार्य करने वाले इंसान है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने जिद की वजह से ऐसे समाज सेविकों का गला घोटा जाए। और रही बात बस स्टैंड के अंदर, आप देख सकते हैं कि बीसी रोड पे जिस तरीके से वीडियो वायरल होती है और हमारे यहाँ पे बीसी रोड के अंदर टूरिज्म टूरिस्ट जब हमारी बहनें बेटियां जब भाई जब शाम को अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर चंडीगढ़ कॉलेजों में जाते हैं पढ़ने के लिए तो शाम को इस तरीके का अगर वो नजारा देखते हैं तो क्या उनके अंदर मैसेज आता है और क्या बाहर के जो टूरिस्ट हैं वो क्या देखते होंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जहां से टूरिस्ट अप और डाउन होता है वहां पे इस तरीके का जो देह व्यापार का जो काम चल रहा है जिस तरीके से वहां पे धांधली हो रही है ये कब थमेगी। काफी मैसेज हमारे हाई अथॉरिटी तक पहुंचे हैं न्यूज के चैनल के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई, कोई भी कड़ा एक्शन जो है वो नहीं हुआ। कल भी आप देख सकते हैं कल का वाक्य है एक ऑटो चालक जो है उसकी डेड बॉडी जो है वहां पे हॉस्पिटल के बाहर मिली है। इस तरीके की जो नशा अपने तस्कर जो है वहां पे बस स्टैंड में अपना अड्डा बनाए बैठे हैं या देह व्यापार के जो लोग हैं वो अड्डा बनाए बैठे हैं, जिसके चलते हम आपके चैनल के माध्यम से आज प्रशासन को आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए कि किस तरीके से इसको रोका जाए और कैसे इसके ऊपर शिकंजा कसा जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में ये मैसेज या ऐसे कार्य या ऐसे काम जो वहां पे हो रहे हैं ये गलत मैसेज जाएगा हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए। संजय जी आपने कहा कि अगर वहां पे आप मीडिया कर्मी के थ्रू काफी वीडियो वायरल हुई और मैंने खुद अपनी आंखों से एक बार देखा था कि वहां पे किस तरीके से जो शाम को जो है वहां पे देह व्यापार का धंधा जो है वो चलता है, अगर सब लोगों को या समाज को या पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पता है तो अगर वो इस पे एक्शन नहीं ले रहे वो धांधली तो क्या है। अगर एक्शन लेते इंस्टेंट वहां पे जो भी चीजें गलत हो रही हैं अगर उसको पकड़ते बंद किया जाता तो मुझे लगता है कि वाक्य में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो काम करेगी, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा तो उसको धांधली तो क्या बोले हम लोग।